हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एसएमटीपी, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एसएमटीपी क्या है? देखिए, एसएमटीपी सिंपल एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल को सेंड करने का काम आता है। मतलब कि जब भी हमें ईमेल सेंड करने की जरूरत पड़ती है, वहाँ हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि एसएमटीपी क्या एक सिंपल एक प्रोटोकॉल है जो मेल को ट्रांसफ़र करने का काम आता है सिंपली। तो दोस्तों पहले थोड़ा सा मेल के बारे में समझ लेते हैं कि एक मेल सेंड कैसे की जाती है, फिजिकल मेल कैसे सेंड की जाती है। तो सपोज करो कि कोई सेंडर है और वो दिल्ली में है और उसे मेल करना है किसी मुंबई में किसी रिसीवर को, तो वो उस मेल को सेंड कैसे करेगा? देखिए, सबसे पहले तो वो जो मेल है वो पहले दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में जाएगी। तो दिल्ली का पोस्ट ऑफिस क्या है, एक तरह से सर्वर का काम कर रहा है, यानी कि एक तरह से मेल को सर्व कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से मेल सर्वर का काम कर रहा है। तो और वो दिल्ली के पोस्ट ऑफिस से वहाँ हो जाएगी मुंबई के पोस्ट ऑफिस में, और मुंबई के पोस्ट ऑफिस से वो रिसीवर तक पहुँच जाएगी। तो ऐसा ही हमारा ईमेल में होता है। ईमेल में क्या होता है कि हम कोई मेल सेंड करते हैं तो वो पहले मेल सर्वर पर जाती है, मेल सर्वर से वो रिसीवर के मेल सर्वर पर जाती है, और फिर वो वहाँ से रिसीवर तक पहुँच जाती है। तो थोड़ा सा हम इस डायग्राम में समझ लेते हैं कैसे कैसे है। तो सपोज करो कि एक सेंडर है, वो जीमेल पर मतलब है, जीमेल यूज कर रहा है ईमेल को सेंड करने के लिए, और वो किसी याहू की मेल आईडी पे सेंड करना चाहता है, यानी कि वो रिसीवर है वो याहू पर है उसको सेंड करना चाहता है। तो वो सेंड कैसे करेगा? देखिए, सबसे पहले तो जब भी वो सेंड करेगा तो वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू वो मेल जाएगी जीमेल के सर्वर के ऊपर। ठीक है, जीमेल के मेल सर्वर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और वो सेंडर के मेल सर्वर से वो रिसीवर के मेल सर्वर तक जाएगी। तो एस एम टी पी का काम क्या होगा कि वो जो मेल है जो उसने मेल सेंड करी है वो पहले सेंडर के मेल सर्वर तक भेजना, और सेंडर के मेल सर्वर से रिसीवर के मेल सर्वर तक भेजना। तो एस एम टी पी का काम क्या है? मेल को ट्रांसफर करना। ठीक है, मेल को रिसीव करने के लिए अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, पॉप थ्री और आई एम ए पी, वो हम आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो एस एम टी पी क्या है? एस एम टी पी ट्रांसफर करता है मेल को फ्रॉम सेंडर के मेल सर्वर से रिसीवर के मेल सर्वर तक। तो एस एम टी पी का यहाँ पे दो बार यूज हुआ है। पहला क्या हुआ, सेंडर से सेंडर के मेल सर्वर तक गया, देन मेल सेंडर के मेल सर्वर से रिसीवर के मेल सर्वर तक गया। तो उसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि एस एम टी पी होता क्या है एक्चुअली में। तो एस एम टी पी क्या है? एस एम टी पी एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मतलब कि कुछ कम्युनिकेशन गाइडलाइंस बनाई गई हैं एक नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क के ऊपर क्या होता है कि हर एक चीज का एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, मतलब कि जो लोग आपस में कम्युनिकेशन करेंगे ना, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। तो ऐसे ही ईमेल को सेंड करने के लिए भी एक एसएमटीपी प्रोटोकॉल है। मतलब कि एसएमटीपी क्या है? सिंपल एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम को हमने नाम दे दिया एसएमटीपी। तो एसएमटीपी सिंपल एक प्रोग्राम है, मतलब एक तरह का प्रोटोकॉल, मतलब सेट ऑफ रूल्स है। वो प्रोग्राम क्या है, रूल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, वो प्रोग्राम क्या है, उस प्रोग्राम को हमने एसएमटीपी नाम दे दिया, और वो प्रोग्राम क्या एक रूल बना दिया गया कि भैया आपको इसी प्रोग्राम के तहत, यानी इसी रूल के तहत आपको वो ईमेल को आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, ताकि सारी मशीन जो है आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। ऐसा ना हो कि कोई डिफरेंट रूल के थ्रू भेज रहा है, किसी डिफरेंट प्रोग्राम के तरह भेज, मतलब डिफरेंट प्रोग्राम के थ्रू वो मेल भेज रहा है। ठीक है, तो मशीन में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए प्रोटोकॉल्स हम ये बनाए गए हैं। तो एस एम टी पी ऐसे यहाँ पे कह रहा है, एस एम टी पी क्या है, कम्युनिकेशन गाइडलाइंस हैं जो एलो करती हैं ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए। इट इज अ प्रोग्राम फॉर सेंडिंग मैसेज टू अदर कंप्यूटर यूजर्स। द मेन पर्पज ऑफ एस एम टी पी इज यूज टू सेट अप कम्युनिकेशन रूल्स बिटवीन सर्वर्स। इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। जो एस एम टी पी है वो एप्लीकेशन लेयर पर काम करती है। क्यों काम करती है? क्योंकि जब भी आप मेल को सेंड करोगे, मेल पे सेंड पे आप क्लिक करोगे, तुरंत वहां से एस एम टी पी का काम चालू हो जाएगा। एस एम टी पी यूज टी सी पी प्रोटोकॉल एज अ ट्रांसपोर्ट लेयर। अब एस एम टी पी टी सी पी प्रोटोकॉल की यूज करती है। ठीक है, देखिए दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक तो होता है टी सी पी, एक होता है यू डी पी। अब टी सी पी क्या होता है? टी सी पी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, मतलब कि जब भी आप कोई डाटा ट्रांसफर करोगे तो आपको डाटा पहुंचने की गारंटी होगी। टी सी पी क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक तरह का कनेक्शन बन जाता है। और एक होता है यू डी पी, जिसमें क्या होता है कि सेंडर रिसीवर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बनता है। सेंडर एक बार मैसेज भेज देगा तो वो एक तरह से मैसेज को फेंक देता है, अगर वो रिसीवर तक पहुंचे ना पहुंचे उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। टीसीपी क्या होता है? टीसीपी में सेंडर और रिसीवर के बीच में एक तरह से कनेक्शन बन जाता है, और जब भी सेंडर कोई मैसेज भेजता है रिसीवर तक तो वहां से एक्नॉलेजमेंट आती है, कि वो कंफर्मेशन आती है कि मैसेज पहुंच गया। तो इसलिए ईमेल जो है वो टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करता है, क्योंकि ईमेल में क्या होता है कि सब कुछ टेक्स्ट फॉर्म में जाता है। ठीक है, अगर कोई भी डाटा का कोई मिस हो गया तो जो है, जो डाटा है, जो मैसेज है, वो डिफरेंट डिफरेंट, मतलब आधे आधे मिसप्रिंट वर्ड्स में आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टीसीपी ही यूज होता है, यूज किया जाता है एस एम टी पी के ऊपर। एस एम टी पी यूज टी सी पी पोर्ट नंबर 25 एंड पोर्ट नंबर 465। पोर्ट 25 है वो डिफॉल्ट पोर्ट है एस एम टी पी का। तो जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि जो पोर्ट 25 है वो डिफॉल्ट एस एम टी पी पोर्ट है और नॉन एनक्रिप्टेड पोर्ट है, और जो पोर्ट 65 है वो यूज होता है एस एम टी पी को, मतलब वो यूज होता है मैसेज को सेंड करने के लिए सिक्योरली। एस एम टी पी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल।
तो एसएमटीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये यूज करता है टीसीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब कि जो सेंटर और रिसीवर के बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है उनके बीच में आपस में कंट्रोल रहता है, मतलब तरह कनेक्शन रहता है। कंट्रोल क्यों रहता है, क्योंकि डाटा जा रहा है और वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ रही है, वहाँ से कन्फर्मेशन आ रही है कि डाटा पहुँच गया, ठीक है। तो इसलिए एसएमटीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, सेंटर और रिसीवर के बीच में एक तरह से कनेक्शन बन जाता है। एसएमटीपी इज अ पुश प्रोटोकॉल। पुश प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि हम एसएमटीपी में मैसेज को सिर्फ हम पुश करते हैं, यानी कि एसएमटीपी जो है मैसेज सिर्फ सेंड करने का काम आता है। तो दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, एक तो होता है पुश प्रोटोकॉल, एक होता है पुल प्रोटोकॉल। एसएमटीपी हमारा पुश प्रोटोकॉल है, क्योंकि यहाँ से हम मैसेज को सेंड करते हैं, पुश करते हैं। और जो आईएमएपी और पॉप 3 है वो हमारा पुल प्रोटोकॉल है, क्योंकि वहाँ पे हम मैसेज को रिसीव करते हैं। एसएमटीपी इज अ प्योर टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। तो जो एसएमटीपी है वो एक प्योर टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है, मतलब कि जो एसएमटीपी है वो सिर्फ टेक्स्ट भेज सकता है, मतलब कि हम एसएमटीपी के प्रोटोकॉल के थ्रू हम सिर्फ टेक्स्ट को भेज सकते हैं, हम वीडियोस, इमेजेस, वीडियोस को नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि ये जो कंटेन करता है 7-bit ASCII टेक्स्ट को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसलिए हम एसएमटीपी के थ्रू हम इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज़ को नहीं भेज सकते हैं, हम इसके थ्रू एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं भेज सकते हैं, मतलब कि जो exe फाइल्स होती हैं हम नहीं भेज सकते हैं, और हम इसके थ्रू हम फ्रेंच, जापानीज और चाइनीज़ भी हम नहीं भेज सकते हैं मतलब। लेकिन आपने देखा होगा कि आप जीमेल जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम इमेजेस भी सेंड कर सकते हैं, कोई exe फाइल भी हम सेंड कर सकते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं। देखिए, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक्सटेंशन आया था, माइम एक्सटेंशन, ठीक है, जो स्पेशली एसएमटीपी के लिए डिज़ाइन किया गया था। माइम क्या है, एक एक्सटेंशन है जो एक्सटेंड करता है लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईमेल बाय इनेबलिंग द यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव ग्राफिक्स, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स इन द मैसेज। तो एसएमटीपी क्या है, प्योर टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है, लेकिन जब हम एसएमटीपी के साथ हम माइम एक्सटेंशन हम जोड़ देते हैं तो एसएमटीपी के थ्रू हम वीडियोस, इमेजेस, ये सब हम सेंड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसलिए जैसे कि आप देखते होंगे, आप ईमेल के थ्रू आप इमेज और जो वीडियोस आप सेंड कर पाते हैं ईमेल के साथ, तो वो आप एसएमटीपी के थ्रू ही आप सेंड करते हो, लेकिन उसके साथ माइम एक्सटेंशन का भी यूज होता है। तो दोस्तों, अब हम एसएमटीपी की कमांड्स को पढ़ लेते हैं। अब एसएमटीपी की कमांड्स क्या हैं, देखिए एसएमटीपी मैंने क्या बताया कि एक प्रोग्राम है जो एज अ प्रोटोकॉल की एक तरह काम कर रहा है, और उसको हमने एसएमटीपी नाम दे दिया। तो वो जो प्रोग्राम है वो कुछ कमांड्स भेजता है रिसीवर को, मतलब कि जब भी हम कोई मेल सेंड करते हैं तो सेंडर और रिसीवर के जो मेल सर्वर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो जो सेंडर का जो मेल सर्वर है वो कमांड्स भेजता है कम्युनिकेशन करने के लिए, और रिसीवर का मेल सर्वर क्या करता है, उस कमांड को एक्सेप्ट करके और बदले में कुछ रिस्पॉन्स कोड भेजता है। तो सेंडर का जो मेल सर्वर है वो हमेशा कमांड भेजेगा, और रिसीवर का जो मेल सर्वर है वो हमेशा बदले में कुछ रिस्पॉन्स भेजेगा। रिस्पॉन्स वो कुछ इस तरह से कोड में भेजेगा और कमांड्स कुछ इस तरह से आएंगी मतलब। तो पहले हम इसका थोड़ी सी एसएमटीपी कमांड्स और एसएमटीपी की रिस्पॉन्स कोड को हम देख लेते हैं, और जो इसका वर्क फ्लो है कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहली कमांड आती है हमारी हेलो या एलो। तो ये क्या है, ये हमारी सबसे पहली कमांड है जब सेंडर जो है रिसीवर को हेलो मैसेज भेजता है। ये क्यों भेजता है, क्योंकि ये अपने डोमेन को आइडेंटिफाई करवाता है। जैसे कि आप किसी फ़ोन पे किसी को कहते हैं ना हेलो मैं कौन बोल रहा हूँ, तो ऐसे यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये हेलो कमांड भेजता है और साथ में अपने डोमेन नेम को आइडेंटिफाई करवाता है। मतलब कि अगर मैं gmail.com से भेज रहा हूँ तो ये अपने डोमेन नेम को आइडेंटिफाई करवाएगा gmail.com को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी मेल फ्रॉम। इस कमांड का काम क्या होता है कि ये सेंडर के एड्रेस को वेरीफाई करवाता है। नेक्स्ट है हमारी rcpt2। ये क्या है, रिसिपिएंट टू, ये जो जिसको मेल जानी है उसके एड्रेस को ये वेरीफाई कराता है कि ये जो कमांड है ये रिसिपिएंट का एड्रेस है। नेक्स्ट है हमारी साइज़ कमांड। ये क्या करती है, ये ईमेल के साइज़ को बताती है। नेक्स्ट है हमारी डाटा कमांड। ये कमांड क्या करती है, जब भी सेंडर का जो मेल सर्वर है वो डाटा भेजेगा तो सबसे पहले वो ये कमांड भेजेगा, मतलब वो बताएगा कि मैं मैसेज भेजने के लिए रेडी हूँ। जैसे ही उसका रिस्पॉन्स आता है तुरंत वहाँ से डाटा भेजना चालू हो जाएगा। तो ये डाटा कमांड है। ये क्या करती है, जैसे लिखा है डाटा कमांड सिग्निफाइज दैट द स्ट्रीम ऑफ डाटा विल फ्लो। नेक्स्ट है क्यूट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू टर्मिनेट द एसएमटीपी कनेक्शन। ये लास्ट कमांड होती है जो एसएमटीपी के कनेक्शन को टर्मिनेट करती है। एक आती है वेरीफाई कमांड। द सर्वर इज आस्क्ड टू वेरीफाई वेदर द पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस और यूजर नेम एक्चुअली एग्जिस्ट। तो दोस्तों, ये एसएमटीपी की कुछ कमांड्स हैं। ये आपको मैंने कुछ आइडिया लेने के लिए बताई हैं कि कुछ इस तरह से कमांड्स होती हैं एसएमटीपी की। ये सारी बैक एंड में काम करती हैं, ठीक है, मतलब सर्वर टू सर्वर आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तब वहाँ पे ये कमांड्स यूज होती हैं। तो थोड़ा सा हम एसएमटीपी के रिस्पॉन्स कोड्स को देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो एसएमटीपी के जो रिस्पॉन्स कोड हैं वो जब भी सेंडर का मेल सर्वर कुछ कमांड भेजेगा तो बदले में रिसीवर का मेल सर्वर जो है वो कुछ रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से इन कोड्स में भेजेगा। इसमें हमारी है
101 रिस्पॉन्स कोड सर्वर कनेक्शन एरर के लिए यूज़ किया जाता है, 211 सिस्टम स्टेटस के लिए यूज़ किया जाता है, 214 जो रिस्पॉन्स कोड है वो हेल्प मैसेज के लिए यूज़ किया जाता है, 220 रिस्पॉन्स कोड जो है वो द सर्वर इज रेडी, मतलब कि जब भी जो रिसीवर का मेल सर्वर रेडी होगा तो वो ये वाला रिस्पॉन्स कोड भेजेगा। ये रिस्पॉन्स कोड क्या करता है, रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश अ TCP कनेक्शन, 221 द सर्वर क्लोज द ट्रांसमिशन चैनल, 235 ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, 250 द रिक्वेस्ट कमांड इज कंप्लीटेड। तो ये वाला जो रिस्पॉन्स कोड है वो सबसे ज़्यादा यूज होगा, मतलब कि ये रिस्पॉन्स कोड जो है ओके कमांड भेजने के लिए है, मतलब कि कमांड इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट रिस्पॉन्स कोड है हमारा 354, ठीक है, ये यूज होता है हमारा द सर्वर कन्फर्म मेल कंटेंट ट्रांसफर, मतलब कि रिस्पॉन्स टू डाटा के लिए, जैसे ही डाटा की कमांड भेजी जाएगी वैसे ही रिस्पॉन्स कोड का यूज होगा। नेक्स्ट हमारी 500, ये सिंटैक्स एरर के लिए यूज की जाती है। एक आती है 510, इनवैलिड ईमेल एड्रेस के लिए यूज की जाती है। तो दोस्तों ये कुछ SMTP कमांड्स और SMTP के रिस्पॉन्स कोड हैं। तो दोस्तों हम SMTP का वर्क फ्लो समझ लेते हैं, मतलब कि सेंडर और रिसीवर का जो मेल सर्वर है उनके बीच में किस तरह से आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। जब भी किसी मेल को सेंड किया जाता है तो सेंडर रिसीवर के में किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, एक डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सेंडर है वो जीमेल के सर्वर के ऊपर है और जो रिसिपियंट है वो याहू के मेल सर्वर के ऊपर है। तो इनके बीच में किस तरह से कम्युनिकेशन होगा, तो जैसे ही सेंडर सेंड बटन पर क्लिक करता है तो जो सेंडर का मेल सर्वर है वो रिसीवर के मेल सर्वर से कनेक्शन क्रिएट करता है, मतलब या उनके बीच में एक TCP कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है कि जो रिसीवर का मेल सर्वर है वो नेटवर्क के ऊपर हमेशा एक्टिव रहता है, अपना रिस्पॉन्स हमेशा भेजता रहता है चारों तरफ। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो 220 नंबर का जो रिस्पॉन्स कोड है वो सर्वर एक्टिव होने का रिस्पॉन्स कोड है, मतलब क्या हुआ कि जो रिसीवर का मेल सर्वर है वो हमेशा नेटवर्क के ऊपर एक्टिव रहता है, मतलब कि नेटवर्क के ऊपर अपना रिस्पॉन्स भेजता रहता है चारों तरफ। तो जैसे ही सेंडर सेंड बटन पर क्लिक करेगा तो सेंडर का मेल सर्वर है उस रेस्पॉन्स को वो कैच कर लेगा, तो और इन दोनों के बीच में एक TCP कनेक्शन बन जाएगा। देन इनके बीच में कम्युनिकेशन चालू होगा, इनके बीच में कम्युनिकेशन चालू होगा, सेंडर अपने कमांड्स भेजेगा और या बदले में उसका अपना रेस्पॉन्स भेजेगा, मतलब कि एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो स्टार्टिंग की कम्युनिकेशन से होती है हेलो कमांड से। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो सेंडर का जो मेल सर्वर है वो खुद के डोमेन नेम को आइडेंटिफाई करवा रहा है, मतलब कि वो एक तरीके से वो खुद को हेलो कह रहा है और खुद के डोमेन नेम को आइडेंटिफाई करवा रहा है कि हेलो और जो मेरा डोमेन नेम है ये है। ठीक है, तो बदले में जो रिसीवर का मेल सर्वर है वो उसकी हेलो कमांड को रीड करता है और एक ओके मैसेज भेज देता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन जो सेंडर का मेल सर्वर है वो सेंडर की ID को आइडेंटिफाई करवाता है और वो अगेन बदले में एक्नॉलेजमेंट भेजता है। देन वो रिसीवर की ID को आइडेंटिफाई करवाता है कुछ इस तरीके से, RCPT2 कुछ इस तरीके से, और वो देन अगेन बदले में वो कुछ इस तरह से वो रिस्पॉन्स भेजता है रिसीवर का मेल सर्वर। देन यहाँ से जो है डाटा भेजने का काम चालू होता है। ये कमांड यूज होती है कि रिसीवर को बताने के लिए कि अब नेक्स्ट मैं डाटा भेजूंगा। ठीक है, ये कहता है कि रेडी फॉर मैसेज, मतलब कि डाटा कमांड भेजता है, ये कहता है कि ये इस तरह से रिस्पॉन्स कोड भेजता है, ठीक है आप भेजिए। देन फिर लाइन बाय लाइन यहाँ से डाटा यहाँ से रिसीवर तक पहुँचता है, रिसीवर के मेल सर्वर तक पहुँचता है, और जो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में डॉट लगा के भेजेंगे। इसका मतलब हो गया कि जो डाटा यहाँ से खत्म हो गया, मतलब कि डाटा का यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, देन डाटा पूरा होने के बाद ये बदले में अगेन रिस्पॉन्स भेजता है। ठीक है, देन डाटा पहुँचने के बाद जो सेंडर है वो सेशन को टर्मिनेट करने के लिए, मतलब सेशन खत्म करने के लिए एक गुड कमांड भेजता है और वो यहाँ से रिस्पॉन्स भेजता है और इन दोनों के बीच में जो TCP कनेक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपस में इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है जब भी सेंडर जो है रिसीवर को मेल भेजता है, तो जो सेंडर के जो और रिसीवर के जो मेल सर्वर्स हैं कुछ इस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चाहे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।